नमस्कार, मैं शबीना परवीन और आप देख रहे हैं मेरे साथ भारत मीडिया। कुछ लोग बेहद खास होते हुए बेहद आम नजर आते हैं, ऐसी शख्सियत थी चंद्रशेखर की। खालिस हिंदुस्तानी अंदाज नजर आता था पूर्व प्रधानमंत्री की शख्सियत में। आडंबर और दिखावे से कोसों दूर नजर आते थे युवा तुर्क। रिश्तों को जीने का अलग अंदाज था जिसका हाथ थामा कभी नहीं छोड़ा। खबर उत्तर प्रदेश के बलिया से। देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर की 16वीं पुण्यतिथि पर शेखर फाउंडेशन और चंद्रशेखर विचार मंच की ओर से चंद्रशेखर उद्यान में जननायक चंद्रशेखर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी गई। पुष्पांजलि अर्पित करते हुए विधान परिषद सदस्य रविशंकर सिंह पप्पू भावुक हो गए। कहा, कुछ लोग बेहद खास होते हुए भी बेहद आम नजर आते हैं। भारतीय राजनीति में एक ऐसी ही शख्सियत थी चंद्रशेखर की, जो लोगों को एकदम अपनी सी नजर आती थी। बिना कंघी के बाल, हल्की दाढ़ी से घिरा चेहरा, भविष्य में झांकती आंखें, जिस पर धोती कुर्ता, पांव में चप्पल, कुल मिलाकर खालिस हिंदुस्तानी अंदाज, उनकी यही शख्सियत उनका लोगों से सीधा और गहरा जुड़ाव बनाती रही। आडंबर और दिखावे से कोसों दूर, देसी ठसक के साथ सीधी सपाट बातचीत, चाहे नाराजगी हो या खुशी, हमेशा सामने से जाहिर की। मसला राजनीति हो या सामाजिक, दो बातों का हमेशा ख्याल रखा, एक कुलूस और दूसरा मानवीय संवेदना। रिश्तों को जीने में उनका कोई जवाब नहीं था जिसका हाथ थामा कभी नहीं छोड़ा। लंबे सियासी सफर में कई साथ आए तो कई ने साथ भी छोड़ा, पर उनकी तरफ से कोई गिला नहीं, कोई शिकवा नहीं। जब मिले वही अंदाज, सामने वाला खुद ब खुद सिमट जाता। ऐसे थे चंद्रशेखर, जिनकी शख्सियत से अपनी माटी, अपने देश की खुशबू का एहसास होता था। सियासत के शिखर पर होने के बावजूद अपनी जड़ों से गहराई तक जुड़ी ऐसी शख्सियत अब कहाँ। इतिहास की समझ और राष्ट्रीय धरोहर से ऊर्जा ग्रहण करने की जो तिक्षण दृष्टि चंद्रशेखर जी में थी, वह किसी और दूसरे सामाजिक नेता में नहीं। 1984 में चुनाव हारने के बाद कई प्रस्तावों के बावजूद वह कहीं दूसरी जगह से चुनाव नहीं लड़े, न पिछले दरवाजे से संसद में पहुंचे। 1985 से 1990 के बीच सक्रिय राजनीति के अलावा चंद्रशेखर जी ने जो सृजनात्मक कार्य किए हैं, वे उनके संकल्प और मजबूत इच्छा शक्ति के ही परिणाम है। कि सिताबदियारा में जेपी स्मारक, करौदी में राम मनोहर लोहिया स्मारक, चंपारण भितरवा में गांधी आश्रम का जीर्ण द्वार, आचार्य नरेंद्र देव के नाम पर स्मृति समारोह, लोगों से एक एक रुपया लेकर कमर भर पानी कीचड़ पार करते हुए, खुद ही ईंट उठाते हुए, सफाई करते हुए, आधी रात तक काम करते हुए, उन पावन स्मृतियों के प्रति सामाजिक उत्तरदायित्व का ऋण और शारीरिक श्रम का यह पहलू मौजूदा राजनेताओं में शायद अकेले चंद्रशेखर जी के ही हिस्से पड़ा है। चंद्रशेखर जी के व्यक्तित्व में ग्रामीण साहस और दारी, सरलता और आत्मविश्वास का समन्वय था। मस्तिष्क और हृदय का उनका समृद्ध समन्वय उनकी जेल डायरी में निख रहा है। ऐसी ताजा खबरों के लिए बने रहे भारत मीडिया के साथ। और हमारे बलिया वासियों के बहुत गर्व है कि हमारी इस नीति के जो है और भारत के प्रधानमंत्री बने, और उनका जो सांसद और प्रधानमंत्री का जो कार्यकाल रहा, मैं उनके 6 महीने के कार्यकाल से मैं बहुत प्रभावित हूँ। ऑन द स्पॉट जो डिसीजन उन्होंने, राम मंदिर हो या असम का जो उपद्रव हो रहा था उसके बारे में हो, या कश्मीर की समस्या, वो जितनी समस्याएं वो 6 महीने के अंदर जो है, उनके 6 महीने के कार्यकाल से मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ। और मैं उसी पर उसी के जो अपने अंदर जो है उसको चेष्टा करता हूँ और मैं नमन करता हूँ, और इस मिट्टी के लाल को ये मैं नगर पालिका परिषद अध्यक्ष जो यहाँ के जनप्रतिनिधि, यहाँ के नगरवासी हम खुद बनाए हैं, और भाजपा की ट्रिपल इंजन की सरकार बनी है, जरूर जो नगर के प्रति हमारे श्रद्धेय चंद्रशेखर जी की जो भी अगर का वो सपना होगा जो उन्होंने अधूरा छोड़ा होगा, वो मैं 5 साल के कार्यकाल में शपथ के साथ उसको पूरा करूँगा।